ये है महाराष्ट्र का नासिक गांव, जहां औरतें अपनी जान को जोखिम में डालकर बूंद बूंद पानी के लिए गहरे सूख चुके कुएं में उतरने के लिए मजबूर है। इसी तरह की सेम सिचुएशन अब हमें देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, जिसका कारण है नासा द्वारा पब्लिश की गई ये पिक्चर, जो शो करती है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य डे जीरो की दहलीज पर खड़े हैं। ऑल्सो यहाँ एक वार्निंग भी है कि भारत का इतना बड़ा हिस्सा सिंक हो सकता है, यानी कि डूब सकता है। अब जैसा हमें जोशीमठ में देखने को मिला, और रिसेंटली यही सेम सिचुएशन मैक्सिको सिटी में भी चल रही है, जहाँ जमीन 20 इंचेस पर ईयर की रेट से नीचे की ओर धसती जा रही है, और अब भारत भी इसी तरह की क्राइसिस में फंस रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं डे जीरो से। व्हाट इज डे जीरो सिचुएशन? दोस्तों इमेजिन करो कि आपके घर में अचानक पानी आना बंद हो जाए, और अब आपको पीने के पानी से लेकर अपनी सभी जरूरतों के लिए पानी को पेट्रोल की तरह खरीदना पड़े, और उस पर भी रिस्ट्रिक्शन हो कि आप डेली कितना पानी ले सकते हैं। वेल, इसी को कहा जाता है डे जीरो सिचुएशन। भारत के कई शहरों शिमला, उडुपी एंड बैंगलोर ऑलरेडी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मीडिया में डे जीरो के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जनवरी 2018 के दौरान शुरू हुई, जब साउथ अफ्रीका के 46 लाख की आबादी वाले कैपिटल सिटी केप टाउन में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आने वाले केवल 3 महीने बाद ही केप टाउन डे जीरो तक पहुंच जाएगा। इसके बाद यहां के नलों का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इंडिया पोजीशन ऑन डे जीरो। दोस्तों 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है, लेकिन इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग तो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। अब भारत का ये हिस्सा एग्रीकल्चर का हब है, जहां बड़े पैमाने पर राइस, वीट एंड सुगर केन की खेती की जाती है, जिन्हें इंडिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, और इन सभी खेती के लिए यहां पर बहने वाली नदियों और ग्राउंड वाटर पानी का एक्सट्रीम प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण भारत का ये हिस्सा दुनिया का सबसे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है। अब नासा का सैटेलाइट डाटा दिखाता है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में मौजूद ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहे हैं। वैसे आज हम भारत के जिस रीजन को सबसे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन कह रहे हैं ना, 3300 BC में वहीं पर दुनिया का सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद थी, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट से होते हुए प्राचीन भारत जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था वहां तक फैली हुई थी। अब 2600 BC यानी करीब 4600 साल पहले ये सिविलाइजेशन अपने टॉप पर थी, जहाँ बड़ी बड़ी शहरें जैसे कि हड़प्पा, गनेरीवाला एंड मोहनजोदाड़ो थी, जिनका आर्किटेक्चर उस समय दुनिया में सबसे बेस्ट था, जो कई मामलों में तो भारत और पाकिस्तान के आज के शहरों से भी ज्यादा बेहतर था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते एक झटके में ही ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, और इसकी बड़ी बड़ी शहरें पूरी तरह से खंडर बन गई, और इसका कारण बताया जाता है 4.2 किलो ईयर इवेंट। 4.2 किलो ईयर इवेंट, इंपैक्ट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1900 BC के दौरान ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के वाटर रिजर्व्स खत्म होने लगे थे, जिसे क्लाइमेट चेंज एंड 4.2 किलो ईयर इवेंट ने और भी ज्यादा तेज कर दिया। इस इवेंट की शुरुआत 2200 BC में हुई, जिसमें दुनिया भर में एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिले, दुनिया के कई हिस्से हीट वेव्स का शिकार हुई, रिवर तेजी से सूखने लगी, उपजाऊ जमीनें भी बंजर बन गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि कई बड़ी बड़ी किंगडम सिविलाइजेशंस लाइक इजिप्ट, अकेडियन एम्पायर, मेसोपोटामिया, ये सब कोलैप्स हो गई और इतिहास का पन्ना बन गए। 4.2 किलो ईयर इवेंट से प्राचीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी भारी सूखा पड़ा, और यहां बहने वाली नदियां सूख लगी। बची हुई नदियों का क्लाइमेट चेंज के चलते बहने का रुख बदल गया। वैसे 4.2 किलो ईयर इवेंट के होने का क्या कारण था एंड इसने दुनिया की ज्योग्राफी किस तरह से बदला, अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो देखो, इन शॉर्ट, ऑलमोस्ट 1700 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारी सूखा पड़ने के चलते यहां के बड़े बड़े शहर भी पानी की कमी और खेती ना हो पाने के कारण पूरी तरह से बेजान हो चुके थे, और लोग इन्हें छोड़कर भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में बस चुके थे। और अब भारत के नॉर्थ रीजन का ये हिस्सा दोबारा क्लाइमेट चेंज एंड ग्राउंड वाटर डिप्रिसिएशन के चलते एक बड़े क्राइसिस की कगार पर है, जिसका इंपैक्ट केवल इंडिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर लाइव्स। दोस्तों हमारी अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, जिसको देखकर हमें लगता है कि इस ग्रह पर पानी की कोई कमी नहीं है, जो कि सच भी है पर पूरा सच नहीं है।
क्योंकि देखो पृथ्वी पर मौजूद 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर्स का 97% हिस्सा सॉल्ट वाटर के रूप में ओशियन में मौजूद है, जो इंसानों के पीने लायक नहीं है। बचा हुआ 3% हिस्सा पीने लायक तो है, लेकिन उसमें से भी 2% अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर कई किलोमीटर की आइस शीट्स के रूप में जमा हुआ है। अब इसमें से केवल 1% पानी बचता है जो अर्थ पर अलग अलग देश में बह रही नदियों और अर्थ पर ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। एंड इसी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पर हमेशा से पूरी ह्यूमन सोसाइटी डिपेंडेंट रही है, और आज के समय में इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एंड हमारी अदर नीड्स के चलते खत्म हो चुका है। और जो बचा भी है उस पर भी ऑलरेडी प्रेजेंट के 8 अरब लोगों एंड फ्यूचर में आने वाली लोगों की वाटर नीड्स को पूरा करने का बोझ है। लेकिन सिचुएशंस को देखकर लगता ही नहीं है कि ये पानी भविष्य तक बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के एग्रीकल्चर बेस्ड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स बड़े पैमाने पर क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्राउंड वाटर डेप्रिसिएशन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स वाटर क्राइसिस। दोस्तों भारत का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काफी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन सभी में आपको कई बड़ी बड़ी रिवर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि पंजाब का तो नाम ही यहाँ पर बहने वाली 5 रिवर्स सुतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम पर बेस्ड है। एंड उत्तर प्रदेश अपने गॉडेस रिवर गंगा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इन सबके चलते भारत के इन हिस्सों को एग्रीकल्चर के लिए काफी सुइटेबल लैंड माना जाता है, जिसके कारण ही ये रीजन इतनी वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के इस रीजन की ये कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, जिसका कारण है इन प्राचीन नदियों में पानी की कमी और पॉपुलेशन, एंड मेजर रीजन है ग्राउंड वाटर डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो भारत का 90% ग्राउंड वाटर आज भी एग्रीकल्चर में ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें मेनली 3 फसल सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम करती है, वीट, राइस एंड सुगर केन। तो देखो दोस्तों, जमीन में मौजूद ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स को एक्वीफायर्स कहा जाता है, जो अरबों सालों के दौरान फ्रेश वाटर से भरे हैं, जिन्हें बस कुछ सेंचुरी में ही हम ह्यूमंस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली करने के गगार पर हैं। यहाँ तक कि भारत के कई रीजन्स में तो ये एक्वीफायर्स पूरी तरह खाली भी हो चुके हैं, यानी वहाँ पर अब ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। नासा का सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद एक्वीफायर से 29 ट्रिलियन ऑफ वाटर निकाल लिया जाता है, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ही ये पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कैन सिंक। दोस्तों इन एक्वीफायर्स का इस तरह खाली होना इसीलिए भी चिंता की बात है, क्योंकि इनके खाली होने के साथ साथ जमीन के इन हिस्सों में भी एक बड़ी कैविटी बन जाती है, जो जमीन के ऊपरी परत को अनस्टेबल बनाती है, जिसके चलते कई बार जमीन के नीचे धंसने का खतरा बन जाता है, जैसा कि हमने कुछ समय पहले जोशीमठ में भी देखा। ऐसा ही कुछ हमें करंटली मैक्सिको सिटी में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक्वीफायर्स के खाली होने के चलते जमीन धीरे धीरे लगभग 20 इंचेस पर ईयर की रेट से धंस रही है, यानी ये शहर लिटरली जमीन के नीचे डूबता जा रहा है। अब जरा सोचो, जिस तरह भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लोग तेजी से ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ एक्वीफायर्स के खाली होकर जमीन के अनस्टेबल होने से कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज के चलते इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहने वाली मेजर रिवर्स का पानी भी सूख रहा है, और ये रिवर्स अपने रूट को बदल रही है, जिसको देखकर ऐसी आशंका आती है कि कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री दोबारा से रिपीट तो नहीं होने वाली। क्योंकि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो इन राज्यों में रहने वाली इतनी बड़ी पॉपुलेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट के लिए इस सिचुएशन से फाइट करना एक मेजर चैलेंज बन जाएगा। वैसे दोस्तों इन राज्यों के कई इलाकों में तो इसके इफेक्ट दिखने भी लगे हैं। कई शहर लाइक शिमला, उडुपी, चंडीगढ़, गुड़गांव और यूनियन टेरिटरी दिल्ली जैसे रीजन्स तो डे जीरो की दहलीज पर खड़े हैं, और इनमें से कई शहरों में ऑलरेडी टैप वाटर्स को रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसे कई शहर है जहां पर लोग पानी के लिए कई किलोमीटर तक चलकर जाते हैं। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश एंड इन सभी प्रदेशों के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, और लोगों को ना चाहते हुए भी भारत के इतने बड़े रीजन को छोड़कर दूसरे राज्य में माइग्रेट होना पड़े, या फिर यहाँ की जमीन अनस्टेबिलिटी का शिकार बन जाए। क्योंकि याद रखिएगा, किसी रीजन में पॉपुलेशन तभी तक रह पाती है जब तक वो रीजन उस पॉपुलेशन का ख्याल रख सकता है। अब जहाँ लोगों को खाने और पीने की दिक्कत शुरू हुई ना, तो वहाँ पर दोबारा लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, जहाँ उनकी सबसे बड़ी चॉइस भारत के दूसरे राज्य होंगे, जो खुद ही ओवर पॉपुलेशन से परेशान है। ऐसे में उन राज्यों में इस तरह की माइग्रेशन काफी बड़ी समस्या बन सकती है। वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का ग्राउंड वाटर खत्म होना ये इंडिया की वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम का एक पहलू है।
क्योंकि भारत के वाटर क्राइसिस को जो चीज और सीरियस बनाती है ना, वो है हमारी नदियों में बह रहा पोल्यूशन। भारत के नॉर्थ में बहने वाली गंगा, यमुना, सुतलज जैसे रिवर्स जो करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है, जिन नदियों को हम माँ मानते हैं और देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं ना, अब वो नदियाँ दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है, जिनमें हमारे घरों का सीवेज से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने केमिकल्स सीधे छोड़ देती है, जो इन नदियों के साथ साथ इंडिया की इमेज को भी दुनिया में बुरा दिखाता है। ऑल्सो जब ये पोल्यूटेड पानी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बड़े पैमाने पर खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उससे ग्रो होने वाली फसल को खाने से हमारी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम इन इंडिया। दोस्तों यकीन करना मुश्किल है, पर आज भी भारत के कई शहरों में हर दिन करोड़ों लीटर पानी वेस्ट कर दिया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अहमदाबाद जैसे शहर में 40 करोड़ लीटर ऑफ वाटर हर दिन वेस्ट होता है। इसके अलावा बेंगलोर, दिल्ली और पंजाब में भी वाटर वेस्टेज एक बड़ी समस्या है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो फूड हम खाते हैं ना, उसे ग्रो करके पूरी तरह प्रोसेस करके आपकी टेबल तक पहुंचने में ही उसमें बड़े पैमाने पर फ्रेश वाटर को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 किलो चॉकलेट की मेकिंग में 17,000 लीटर ड्रिंकिंग वाटर लगता है। 1 कप कॉफी बनाने में 130 लीटर पानी का उपयोग होता है और 1 टी-शर्ट बनाने में 2,500 लीटर। 1 किलो गेहूं की खेती में 500 से 4,000 लीटर पानी। लेकिन जो बात आपको शॉक कर देगी वो ये है कि इसके बावजूद सबसे ज्यादा पानी मीट के बनने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो मीट बनने में करीब 20,000 लीटर ड्रिंकिंग वाटर लगता है, जिसकी पूरी लिस्ट आप इस वेबसाइट पर जाकर तसल्ली से देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम पानी को इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये पानी हमारे पास हमेशा रहेगा, जो कि सच नहीं है। अभी भी आप अगर रास्ते में निकलोगे ना, तो आपको कई जगह खुले नल देखने को मिलेंगे, जो दिखाता है कि हम पानी को लेकर कितने केयरलेस हैं और लोगों में अभी भी पानी के वेस्टेज को लेकर कितनी कम अवेयरनेस है। इंडियाज वाटर क्राइसिस सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये तो समझ लिया कि पूरी दुनिया में एंड स्पेशली इंडिया में फ्रेश वाटर की काफी कमी है, लेकिन जो है भी वो रिवर्स में बहने वाली वाटर पोल्यूशन के कारण पीने लायक नहीं बचता। ऐसे में देखो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिन रिवर्स को हमने डंपिंग ग्राउंड की तरह अपने घरों का कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बना दिया ना, हमें उनको पोल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। दूसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके और हमारे खाली हो चुके एक्वीफायर्स दोबारा से भरना शुरू हो जाए। इसके साथ ही साथ हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम नए घर बनाएं तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूर लगाएं। इससे होगा ये कि जो भी रेन वाटर वेस्टेज के तौर पर नाली में जाकर मिलता है, वो वापस से जमीन के अंदर चला जाएगा और हमारे एक्वीफायर्स को फिल अप करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आज के जमाने में हमारे शहरों में कहीं पर भी कच्ची जगह मौजूद ही नहीं है जहां से पानी जमीन के अंदर जा सके। हर जगह को हमने कंक्रीट से भर दिया है, इसी कारण से जो रेन वाटर है वो सीधा सीवेज के थ्रू जाकर नालियों में मिल जाता है। और दोस्तों, लास्ट यही कहूंगा कि वाटर वेस्टेज से बचे, क्योंकि लिटरली ये हमारी अर्थ पर मौजूद सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, जिसके कारण अब तो दुनिया के कई कंट्रीज जंग तक करने के लिए तैयार है। इसलिए हम रिसेंटली देख भी रहे हैं कि इसके लिए दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर अपने इंडिया की ही बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि IWT कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया चाइना के बीच चल रहा अरुणाचल प्रदेश का कॉन्फ्लिक्ट भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बहने वाली रिवर्स के वाटर से ही जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों, से आपको काफी वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक करने से पहले वाटर वेस्टेज को रोकने पे ज्यादा ध्यान देना। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।